डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1990 में रिलीज हुई हातिम ताई फिल्म के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी हातिम ताई फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं दोस्तों ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हातिम ताई मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म ने 1990 में कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन थे और दोस्तों इसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस फिल्म को 20 अप्रैल 1990 में हिंदी भाषा में फिल्म को इंडिया के अंदर रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्ट्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी दो लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो PD मेहरा, उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RMR प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RMR प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर के लिए बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री धारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म के जितने भी संगीत है, इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है, इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे, लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वो अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा।
राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं, इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है, राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा, लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभी श्राप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को भी फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो है प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इनविजिबल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था। 1933 में देखने को मिला था और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वो, क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया और दोस्तों एलिज जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था।
मिस्ट्री जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेकर एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे उनके अलावा पार्श सोमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था, जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोटा ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में। शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रिमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी। तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया जिसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी। इसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहाँ पे मेहमान थे तो उन्होंने यहाँ दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें,
लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों सुबह यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। सुबह ने उन्हें वापस जो है एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 या फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ, जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया है, जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को, जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है। एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो पीडी मेहरा, उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए है। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी की बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RM आर्ट प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM आर्ट प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था, जो बाबू भाई मिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म के जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के स्टोरी के बारे में हम बात करें
तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिमल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है, इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहाँ देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे, लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है, राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा, लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभी श्राप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ है। उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे।
दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टीवी फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई, जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इनविजिबल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था, 1933 में देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे, तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वह, क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी, इसमें उन्हें ट्रिक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने ओमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया। और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने विविध जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेकर एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे पड़ा। उनके अलावा पार्श्वमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था, जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में, शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई, ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रिमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हो जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी। तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और बेटी जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे।
और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया। इसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे, लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी। इसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहां पे मेहमान थे तो उन्होंने यहां दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें, लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों सुबह यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस जो है एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 या फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ। जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बैनर बनाया है जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है। इस मूवी को इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है। एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी दो लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो PD मेहरा उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए है। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी की बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो
एम आर्ट प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने आर एम आर्ट प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री धारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था इस फिल्म के जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है, इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहां पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे, लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है, राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा, लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे शराब देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभी श्राप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम, नजरुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानू है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है
और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को भी फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो है प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इनविजिबल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था 1933 में देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वह। क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया। और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्ट्री जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और इसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेकर एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे पड़ा। उनके अलावा पार्श सोमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में। शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुछ स्थानियों में हुआ है।
आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी राम राव के साथ टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी चितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और बेटी जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया इसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी इसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहां पे मेहमान थे तो उन्होंने यहां दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों सुबह यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। सुबह ने उन्हें वापस जो है एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाएं। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 या फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ, जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बनाने तले बनाया है जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल हाई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को जो कि काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है।
एक राजकुमारी से प्यार करते हैं, लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है, तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे, तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो पीडी मेहरा, उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RMR प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RMR प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म के जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहाँ देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे, लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वो अपनी बेटी को इसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है। राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा, लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे शराब देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी
पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभिशाप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। दोस्तों अमरीश पुरी को भी फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो है प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इनविजिबल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था 1933 में देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वह क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया और दोस्तों एलिज जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेके एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे पड़ा। उनके अलावा पार्श्वमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था।
उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था, जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे, जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में, शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद हुए जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज़्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था, जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी, तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया। इसमें परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहां पे मेहमान थे तो उन्होंने यहां दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें, लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों सुबह यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। सुबह ने उन्हें वापस जो है एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 से फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ। जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो है यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया है जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है। इस मूवी को इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल हाई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को जो कि काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है। एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो PD मेहरा, उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RM आर्ट प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM आर्ट प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था इस फिल्म के जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह
यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को चूना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे, लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं, इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है, राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा, लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभिशाप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो है प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इन बिजी बल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था 1933 में देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए
उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वो, क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी, इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया, और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहां पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेके एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो है पे पड़ा। उनके अलावा पारसोमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था, जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उत्सव उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में। शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज़्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी। तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया। इसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है।
अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की, जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी। इसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ हुए दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने मिला था कि द कपिल शर्मा शो के छह नवम्बर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहाँ पे मेहमान थे, तो उन्होंने यहाँ दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें, लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों सुबह यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। सुबह ने उन्हें वापस जो है यानी कि एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाएं। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10 लेके 30 से फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ, इस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया है, जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को, जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है, एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है, तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो PD मेहरा उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RMR प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे।
बता दें दोस्तों, हातिम तई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है, जिसका निर्माण रतन मोहन ने RMR प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था, जो बाबू भाई मिस्ट्री धारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी। और दोस्तों, फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म के जितने भी संगीत है, इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है, हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है, जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे, और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए, और दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं, और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है, इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में, जो एक बच्चे के जन्म से होती है, और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है, तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है, तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है, और वह शादी करना चाहती है उससे। लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी, उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है, कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं, इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है, राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था, तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है, और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा। लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है, क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है, और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी, उसकी शादी की रात वो मर जाएगी, और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है, तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है, और वह उस पर दया करती है, और दोस्तों 7 सवाल छोड़ देती है उसके पीछे, जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभिशाप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो है सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है, तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने 7 सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है, और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह 7 सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है, तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है, और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं, सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है, और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है।
हातिम, परी, बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को भी फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो प्रभाव निर्देशक के रूप में या बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इनविजिबल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था 1933 में देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या हुआ एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वो। क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया। और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेके एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे पड़ा। उनके अलावा पारसोमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में। शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी।
आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी चितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हो जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया जिसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी इसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहाँ पे मेहमान थे तो उन्होंने यहाँ दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों शोभा यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस जो है यानी कि एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 या फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ, इस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर प्रोडक्शन के बने तले बनाया है जो बाबू भाई मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है, एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी दो लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो पीडी मेहरा उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RMR प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार राजेश विवेक उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में किस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RMR प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म के जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहां पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे। लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है। राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा। लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभिशाप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो है सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया।
सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह 7 सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल 7 सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिप जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इन बिजी बल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था। 1933 में देखने को मिला था और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वह, क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी। इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया। और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और इसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले 4 दशकों के बारे में हम बात कर ले तो 4 दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेके एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो है पे पड़ा। उनके अलावा पार्श्वमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में। शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया।
फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद हुए जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया। इसमें परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहां पे मेहमान थे तो उन्होंने यहां दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों शोभा यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस जो है एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 या फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहाँ पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ। जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बनकर बनाया है जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को
यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को, जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है। एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो पीडी मेहरा उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RMR प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में 37 शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार राजेश विवेक उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RMR प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था इस फिल्म के जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए और दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहां पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे। लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजरुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है। राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई।
आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा। लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभी श्राप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो है सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजरुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले। दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो है प्रभाव निर्देशक के रूप में बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इन बिजी बल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था। 1933 में देखने को मिला था और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वह, क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी। इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया जो 1956 में आया और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहाँ पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने विविध जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था।
इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेके एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे पड़ा, उनके अलावा पार्श सोमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था, जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे, जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में, शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद वे जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था, जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी, तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया। इसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी। इसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहाँ पे मेहमान थे तो उन्होंने इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें, लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों शोभा यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस जो है यानी कि एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए। और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे लगभग जो है 10:30 से फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां
पता लगाने के लिए फ़ोन किया था कि क्या हुआ, जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया है जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है। एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो PD मेहरा, उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RM प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में 37 शाह नजर आए हुए आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम ताई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म की जितने भी संगीत है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए और दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है।
और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे। लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है। राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा। लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभी श्राप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले। दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। दोस्तों अमरीश पुरी को फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। तो गाइस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में था क्योंकि फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में मार हो रही थी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो बाबू भाई ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाबू भाई फियरलेस यानी कि नादिया के साथ ही उनके अलावा JBH और होमी मीडिया बंधुओं के स्वामित्व वाली और उनके अलावा वादिया जो है मूवीटोन द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न फिल्मों के नियमित कला निर्देशक थे। दोस्तों बताया गया कि यहाँ उन्होंने कैमरा और टिक जो है फोटोग्राफी को संभालने के लिए अपनी लगन की खोज की। उन्होंने 1933 से 1937 तक विशेष जो है प्रभाव निर्देशक के रूप में जब बसंत और पिक्चर्स में विजय भट्ट के साथ जो प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया ख्वाब की दुनिया 1937 में रिलीज हुई थी उनके पास आई जब जो है विजय भट्ट ने उन्हें अमेरिकी फिल्म द इनविजिबल मैन में काम किया था जो 1933 में रिलीज हुआ था 1933 में देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ कहा गया और बाद में पूछा गया था कि क्या वह एक फिल्म के लिए
उन्हें जो है दोहराने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार विशेष जो है प्रभाव में अपना करियर शुरू करेंगे वो। क्योंकि दोस्तों उन्होंने विशेष फिल्म विभिन्न जो है चाल करने के लिए काले धागों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार दोस्तों ख्वाब की दुनिया पहली फिल्म थी, इसमें उन्हें टेक जो है फोटोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। आने वाले वर्षों में उन्होंने होमी मीडिया द्वारा निर्देशित की गई बसंत पिक्चर्स की हातिम ताई फिल्म को बनाया, जो 1956 में आया। और दोस्तों एलिस जो है डंकन की मीरा 1954 में अपने प्रभावों के लिए भी प्रशंसा प्राप्त उन्होंने किया था। मिस्टर जल्दी जो है निर्देशक और यहां पे कैमरामैन बन गए थे। उन्होंने अपने निर्देशन जो है करियर की शुरुआत नाना भाई भट्ट के साथ अपनी पहली दो फिल्मों मुकाबला और उसके अलावा जो है मौज फिल्म में काम किया था। मौज 1983 के सह निर्देशक से की थी। दोनों में फिल्म फेयर जो है नादिया ने अभिनय किया था। अगले चार दशकों के बारे में हम बात कर ले तो चार दशकों में उन्होंने बीबी जो है धार्मिक और महाकाव्य और भाषा जो है ग्रंथों जैसे पुराणों में काम किया था। उन कहानियों को इकट्ठा किया गया और 63 से अधिक जो है फंटासी पौराणिक और यहाँ पे धार्मिक जो है फिल्मों का निर्देशन किया गया था। इसमें दोस्तों संपूर्ण रामायण 1961 से लेकर एक मील का पत्थर शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं का इतिहास जो यहाँ पे पड़ा। उनके अलावा पार्श्वमनी 1963 और यहाँ पे महाभारत वाली फिल्म थी जो 1965 में आया था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे रामानंद सागर की यहाँ पे टेलीविजन महाकाव्य श्रृंखला जो है रामायण में था, जो 1987 से लेकर 88 के सलाहकार भी रहे थे। और वह दोस्तों देखने को मिला था कि आर में विशेष जो प्रभाव की तलाश में भी थे, जो चोपड़ा की महाभारत वाली थी। 2005 में वार्षिक जो है मामी उस शो में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योग्य दान के लिए तकनीकी उत्कृष्टता के लिए यहाँ पे कोडक ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं हातिम ताई फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, यानी कि जितेंद्र के बारे में। दोस्तों बता दें जितेंद्र का सक्रिय अभिनय करियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। अभिनेता जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला था शांताराम फिल्म में। शांताराम की गीत गाया था और उनके अलावा पत्थरों ने 1964 और यहाँ पे बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि ये फिल्म फर्ज 1967 थी जिसने उनकी सफलता की सीढ़ी का कामयाबी हासिल किया। फर्ज फिल्म में मस्त बहारों का मैं यानी कि आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोरी से आगे बढ़ाया करियर को। शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे और वह उनके ट्रेडमार्क बन गए। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि फर्ज के बाद जो है कारवा और यहाँ पे हमजुली जैसी जो है फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे और फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष जो है दिलाया था, जो यहाँ पे बॉलीवुड का जंपिंग जैक था। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है और ये उपलब्धि हिंदी सिनेमा की स्थापना के बाद से उनके कुचियन के स्थानियों में हुआ है। आगे दोस्तों लिखा गया है कि टी रामा राव के साथ जो है बाप्या के, उनके अलावा राघवेंद्र राव और दस्तारी मूवी के साथ जो है नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जो है जया प्रदा श्रीदेवी के साथ जो है जोड़ा गया। और दोस्तों इनमें जो है संजोग और उनके अलावा औलाद, मजाल और जस्टिस चौधरी वाली फिल्म शामिल थी जो 1983 में रिलीज हुई थी। आगे दोस्तों देखने को मिला था हिम्मत वाला फिल्म में इन्होंने 1983 में काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा 1984 में रिलीज हुई ये सभी फिल्में शामिल है। उन्होंने कृष्णा की तेलुगु फिल्मों के हिंदी में कई जो है रिमेक में भी काम किया और उनके साथ बहुत जो है करीबी संबंध में थे। और इन दक्षिण भारतीय रिमेक के अलावा जब भी जितेंद्र ने लेखक जो है गीतकार गुलजार के साथ जो है परिचय किनारा था तो यहाँ पे खुशबू जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें ओ माजिरे और मुसाफिर हूँ जैसे जो है कई खूबसूरत गीत इसमें शामिल थे। आगे दोस्तों जितेंद्र के करियर के बारे में हम बात करें तो जितेंद्र अपनी पत्नी जो है शोभा से मिले जब वह केवल 14 वर्ष की थी। तब उसने जो है स्कूल पूरा किया और कॉलेज गई और ब्रिटिश जो है एयरवेज के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य कर रही थी। जब जितेंद्र 1960 से लेकर 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तो वह जो है शोभा के साथ रिश्ते में थे और 1972 तक वह उनकी प्रेमिका थी। शादी के बाद आपको बता दें जो उन्होंने जानकी और उसके बाद जो है कुटीर में एक साधारण समारोह में उन्होंने विवाह किया। इसमें परिवार के कुछ ही सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जो है जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया था कि वह लगभग जो है शादी कर चुके थे लेकिन वह पीछे हट गई। आगे दोस्तों देखने को मिला था कि शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं, उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर है और दूसरा जो है बालाजी। और इसके अलावा टेलीफिल्म के बारे में हम बात कर ले तो जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है।
अभिनेता जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से एक जो है कुछ तो है यानी कि एक संक्षिप्त और उपस्थिति दर्ज की, जो 2003 में रिलीज हुई और एक जो है थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने जो है बेटे तुषार के साथ जो है दिखाई दिए। आगे दोस्तों देखने मिला था कि द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर यहां पे मेहमान थे तो उन्होंने यहां दोस्तों इस शो में उन्होंने एक बात का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने एक बात बताया था कि करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास अब चेन्नई जाना था उन्हें, लेकिन दोस्तों उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि दोस्तों सुबह यानी कि चांद देखने और अपना जो है व्रत तोड़ने जैसी जो आवश्यक जो है रस्में निभा सके। सुबह ने उन्हें वापस जो है कि एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसीलिए जितेंद्र ने अपने जो है मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वह घर पर वापस आ जाए और दोस्तों अगले दिन यानी कि चले जाएंगे। लगभग जो है 10:30 या फिर 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट पाली हिल जो है बांद्रा में एक जो है ऊंची इमारत पर से बाहर देखा और वहां पे वो देखा कि हवाई अड्डे की ओर एक आग का गोला देखा। बाद में कुछ घंटों के बाद उनका फोन लगातार जो है बजता रहा और लोगों ने यहां पता लगाने के लिए फोन किया था कि क्या हुआ, जिस फ्लाइट में उन्हें जाना था वह क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था कि शोभा का यानी कि दूरदर्शी आग्रह कि उन्हें नहीं जाना चाहिए एक जो यानी कि वरदान साबित हुआ और वह उड़ान इंडिया एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट थी। तो दोस्तों इस तरह से एक घटना जो है इन्होंने बताया था कपिल शर्मा शो में। गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हातिम ताई फिल्म को जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो जितेंद्र, संगीता बिजलानी इस फिल्म में अभिनय किए थे, लीड रोल में नजर आए हुए थे। गाइस आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। ये मूवी 1990 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RM और आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया है, जो बाहुबली मिस्त्री द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र, संगीता बिजलानी और लक्ष्मीकांत का संगीत इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कथानक जो है हातिम अल आई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह जो है बेहद उदार और यहाँ पे बहादुर होने के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों अगर आप लोग हातिम ताई मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों आप लोग को बताए फिल्म में 7 सवाल खोजने पड़ते हैं इस फिल्म में जितेंद्र को, जो की काफी कठिन होते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अमीर अरब राजा के घर में एक बच्चे के जन्म से होता है। राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाते हैं तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होते हैं। जैसे ही राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करते हैं तो मरियम नाम की एक राजकुमारी उनके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वह उन्हें बताती है कि वह मुनीर नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है, एक राजकुमारी से प्यार करते हैं लेकिन वो उनके पिता शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनका मुलाकात उस राजा से होता है। फिर वो राजा बतलाते हैं कि मैंने इस तरह की गलतियां की है, एक परी ने मुझे सरापा है और उस शराब से मुझे छुटकारा पाना है, तो 7 सवाल मुझे ढूंढने होंगे या फिर किसी और को ढूंढने होंगे तो ही जाके वो मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है और ये कहानी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में जितेंद्र और उनके अलावा संगीता बिजलानी फिल्म में अभिनय करते हुए लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हातिम ताई फिल्म की कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। पहले नाम के बारे में हम बात कर ले तो पीडी मेहरा, उनके अलावा हसन कमाल ने मिलकर फिल्म की कहानी को लिखे हुए है। इसके अलावा दोस्तों हातिम ताई मूवी की एल्बम के बारे में हम बात कर ले यानी कि बैकग्राउंड स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में जितने भी गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो RM आर्ट प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था और दुनिया भर में रिलीज किया गया था 20 अप्रैल 1990 को। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले सहायक कलाकार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सतीश शाह नजर आए हुए, आलोक नाथ फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में राजा मुराद, उनके अलावा सोनू वालिया और साथ ही साथ फिल्म में विलन के रूप में अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। उनके अलावा देव कुमार, राजेश विवेक, उनके साथ विजेंद्र सिंह फिल्म में अभिनय किए हैं। गोगा कपूर भी फिल्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो
दोस्तों इन सभी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म 1990 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। ये भी जानेंगे दोस्तों वीडियो में कि इस मूवी ने कितनी कमाई किया था और दोस्तों फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें दोस्तों हातिम तई मूवी 1990 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की फंटासी फिल्म है जिसका निर्माण रतन मोहन ने RMR प्रोडक्शन द्वारा किया था। इसके बैनर तले बनाया था जो बाबू भाई मिस्ट्री धारा निर्देशित किया गया था मूवी को। इस फिल्म में जितेंद्र उनके अलावा संगीता बिजलानी अभिनय करते हुए दिखाई दी थी और दोस्तों फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित किया गया था। इस फिल्म के जितने भी संगीत है, इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के हिस्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। फिल्म में जो कथानक दिखाया गया है हातिम अल ताई के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। जो ताई अरब जो है जनजाति के एक प्रसिद्ध अरब कवि थे और वह बेहद उदार और बहादुर होने के लिए दोस्तों आज तक अरबों के लिए एक बहुत बड़े आईने हैं और उनको देख के लोग जो है याद करते हैं कि हातिम जैसा मेरा बेटा हो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी को फिल्म के अंदर बताया गया था। फाइनली मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है, इस मूवी की शुरुआत होती है एक अमीर अरब राजा के घर में जो एक बच्चे के जन्म से होती है और राजकुमार का नाम हातिम अल ताई रखा जाता है। और दोस्तों जब वह यानी कि वयस्कता तक पहुंच जाता है तो वह बहुत उदार और विनम्र राजकुमार होता है। जैसे ही दोस्तों राजकुमार अपने शहर में गरीब नागरिकों को सोना बांटना शुरू करता है तो वहां देखने को मिलता है मरियम नाम की एक राजकुमारी उसके दरवाजे पर मदद मांगने आती है। वहाँ पे दोस्तों वह उसे बताती है कि वह मुनीर नाम के एक राजकुमार से प्यार करती है और वह शादी करना चाहती है उससे, लेकिन दोस्तों जब तक वह जीवित रहेगी उसके पिता उसे किसी से शादी नहीं करने देंगे। आगे देखने को मिलता है हातिम अपने पिता के फैसले से हैरान है कि दोस्तों ये फैसला हैरान कर देने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों वो महसूस करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा। आगे देखने को मिलता है कि हातिम उसका दोस्त नजुल मरियम और मुनीर मरियम के महल में जाकर राजा से पूछते हैं कि वह अपनी बेटी को किसी से शादी क्यों नहीं करने देगा। राजा उन्हें अतीत में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं इसके कारण मरियम शादी नहीं कर सकती। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि एक दिन जब राजा हातिम को पूरी कहानी बताता है, राजा अपने आलीशान कमरे में जब सो रहा था तो गुलनार परी नाम की एक परी उसके कमरे में खूबसूरत झूमर से मुग्ध होकर उसके कमरे में आ गई। आगे देखने को मिलता है सुंदर परी को देखकर राजा उसकी सुंदरता से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है वो राजा, लेकिन दोस्तों इसमें असफल हो जाता है क्योंकि गुलनार परी यहाँ पे शापित हो जाती है और धीरे धीरे अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्थर में बदलने लगती है। वह उसे श्राप देती है कि उसकी बेटी मरियम जिससे भी शादी करेगी उसकी शादी की रात वो मर जाएगी और मरियम पत्थर में बदल जाएगी। जैसे ही दोस्तों गुलनार परी पत्थर में बदलने लगती है तो राजा यहाँ पे क्षमा मांगता है और वह उस पर दया करती है और दोस्तों सात सवाल छोड़ देती है उसके पीछे जो उसे चाहिए या किसी और को जवाब देना होगा। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी और मरियम दोनों के यहाँ पे अभिशाप से यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए सभी जो सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करता है हातिम ताई। आगे दोस्तों देखने को मिलता है जब राजा की कहानी समाप्त होती है तो वह हातिम नजुल मरियम और वहाँ पे मुनीर को गुलनार परी की पत्थर की खूबसूरत जो है मूर्ति दिखाते हैं। हातिम ने सात सवालों के जवाब तलाशने का फैसला किया। सबसे पहले राजा हातिम को चेतावनी देता है कि वह प्रश्न यानी कि अत्यंत कठिन है और उसे दूर और खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी होगी इन सवालों के लिए। हातिम वादा करता है कि अपने दोस्त नजरुल की कंपनी के साथ वह सात सवालों का जवाब देकर ही वापस आएगा। इसके बाद दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है हातिम और नजरुल सात सवालों के जवाब तलाशने के लिए यात्रा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह इन प्रश्नों को हल करने लगते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब मिलता है तो गुलनार परी का एक हिस्सा फिर से जिंदा हो जाता है। सवालों के जवाब जो है तलाशते हुए हातिम को एक परी मिलती है। हातिम तो उस परी को देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल जो है गुलनार परी की तरह दिखती है। वो बताती है कि वह गुलनार परी की जुड़वा बहन परी बानो है। वह हातिम को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हातिम और नजुल गुलनार परी की मदद से प्रश्नों को पूरा करना शुरू करते हैं। सभी कठिन प्रश्नों को पूरा करने में सफल होते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है गुलनार परी वापस जो है जीवन में आती है और मरियम का अभिशाप भी उठा लिया जाता है। हातिम परी बानो और मरियम और मुनीर जश्न मनाते हैं और अपनी शादी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों फिल्म की आखिरी कहानी के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों आखिरी खोज में हातिम का सामना जादूगर
कमलाक से होता है। कमलाक के यहाँ पे ट्रेडमार्क शब्द है जिन 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 यानी कि डू जिन। इस तरह का किरदार इस फिल्म में अमरीश पुरी ने निभाया है। तो दोस्तों अमरीश पुरी को भी फिल्म में हातिम ताई खत्म कर देता है और उस पर जीत हासिल कर लेता है। गाइस आज के इस वीडियो में हमने फिर से एक्सप्लेन किया है साल 1990 में रिलीज हुई हातिम ताई फिल्म को। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों बात की जाए मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो 20 अप्रैल 1990 को हिंदी भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था। मूवी की रिलीज डेट में काफ़ी जो है फर्क थी क्योंकि 1990 से पहले फिल्म को रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों फाइनली 90 में मूवी को रिलीज किया गया। फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो अभिनेता जितेंद्र और संगीता बिजलानी फिल्म में थे, इसमें अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे बाबू भाई मिस्त्री ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और दोस्तों फिल्म की कहानी जबरदस्त थी जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी सॉलिड कमाई किया था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।